ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब वंदे। आज यहाँ पे जहांगीरपुरी के मेरे प्यारे बहनों भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत दोस्तों, आज से 10 साल पहले आप लोगों ने मेरे को दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी थी। मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं दिल्ली में सुंदर नगरी की झुग्गियों में काम किया करता था, एक एनजीओ चलाया करता था, दिल्ली की सुंदर नगरी की झुग्गियों में काम करता था। वहां से उठा के आपने दिल्ली की जिम्मेदारी मेरे को दे दी। पिछले 10 साल से पूरी ईमानदारी से आपके लिए काम कर रहा हूं। ऐसे ऐसे काम करे जो पिछले 75 साल में किसी पार्टी ने, किसी नेता में, पूरे देश में नहीं करे। अभी मेरे को अजेश भाई बता रहे थे, हमारी सरकार बनने के पहले 2015 में मैं मुख्यमंत्री बना, 2014 याद करो 7-7, 8-8 घंटे बिजली जाया करती थी। यहाँ पे पत्थर बरसा करते थे, जहांगीरपुरी में बिजली जब जाती थी, होता था कि नहीं होता था, 10-10 घंटे बिजली जाया करती थी। अब नहीं जाती बिजली, जाती है 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती है? कल मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक ट्वीट पढ़ रहा था, योगी आदित्यनाथ जी ने एक ट्वीट करा कि ये त्योहारों का सीजन है, इन त्योहारों के सीजन में उत्तर प्रदेश में हम सुनिश्चित करेंगे कि बिजली ना जाए। हमारी दिल्ली में तो 365 दिन त्योहार होते हैं, बिजली जाती नहीं है 365 दिन। दोस्तों याद रखना, याद रखना, 22 राज्यों में इनकी सरकार है, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, महाराष्ट्र में, 22 राज्यों में इनकी सरकार है। किसी भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं है, केवल दिल्ली में 24 घंटे बिजली है। आप में से कितने लोग उत्तर प्रदेश में रिश्तेदारी है, कितने लोगों की, कितने लोगों की बिहार में रिश्तेदारी है, फोन करके पूछ लेना कितने घंटे बिजली जाती है, जाती है कि नहीं जाती उत्तर प्रदेश में? अगर गलती से बीजेपी को वोट दे दिया, दिल्ली में भी वही हाल कर देंगे, 10-10 घंटे बिजली जाया करेगी। बड़ी मुश्किल से संभाली है दिल्ली हम लोगों ने, गलत तो नहीं कह रहा जी, गलत तो नहीं कह रहा, बड़ी मुश्किल से 10 साल में खड़े होकर ट्रांसफॉर्मर बदलवाए, तार बदलवाए, सारी दिल्ली की बिजली 24 घंटे करी है। अगर आपने इनको गलती से वोट दे दिया, दिल्ली का बुरा हाल कर देंगे, 10-10 घंटे बिजली जाया करेगी। मेरे को याद है 2014 में, 13 में इतने हजारों हजारों रुपए के बिजली के बिल आया करते थे, एक कमरा, एक पंखा, एक लाइट, एक फ्रिज, एक टीवी, 5,000 रुपए महीने का बिल, 10,000 रुपए महीने का बिल आया करता था। मैं झुग्गियों में घूमता था, कच्ची कॉलोनियों में जाता था, लोग अपने बिल दिखाते थे, बच्चों को पढ़ाएं, रोटी खिलाएं कि बिजली का बिल भरें। मेरे को याद है मैंने 15 दिन का अनशन करा था बिजली के बिल माफ कराने के लिए, पर शीला दीक्षित जी नहीं मानी। मैंने कहा था मेरे को मुख्यमंत्री बना दो, मैं आपके बिजली के बिल माफ करूंगा। कर दिए कि नहीं कर दिए? कर दिए कि नहीं कर दिए? यहाँ पे जिन जिन लोगों का एक बार भी 0 बिजली का बिल आया, हाथ खड़े कर दो। जिन जिन का 0, एक बार भी 0 बिजली का, केवल दिल्ली और पंजाब में बिजली के बिल 0 आते हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं आते, बिहार में नहीं आते, मध्य प्रदेश में नहीं आते, छत्तीसगढ़ में नहीं आते, केवल दिल्ली में आते हैं। दोस्तों ये लोग मेरे को गालियां देते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिजली फ्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए?
हाथ खड़े करके बताओ, बिजली फ्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये बीजेपी वाले कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। हाँ, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। किस किस को फ्री की रेवड़ी चाहिए हाथ खड़े कर दो। रेवड़ी चाहिए नहीं चाहिए? रेवड़ी चाहिए नहीं चाहिए? फ्री की रेवड़ी चाहिए नहीं चाहिए? मेरे को एक बीजेपी वाला कह रहा था, बोला केजरीवाल जी एक बार बन जाए हमारी सरकार दिल्ली में, ये फ्री बिजली बंद कर देंगे हम। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को लगता है बीजेपी वाले फ्री बिजली बंद कर देंगे? हाथ खड़े करके बता देना। गलती से भी वोट मत दे देना, 10,000 रुपए बिजली का बिल आना चालू हो जाएगा। मैंने पानी फ्री कर दिया दिल्ली के अंदर, 20,000 लीटर पानी हर महीने फ्री कर दिया। लेकिन जब मैं जेल गया, इन्होंने मेरे को जेल भेज दिया झूठे मुकदमे में। आपके मेरे पीछे से मेरे को पता चला 1,000 रुपए के बिल आ गए। आ गए कि नहीं आ गए? कई लोग आए हुए हैं ना, भरने की जरूरत नहीं है, केजरीवाल माफ करा देगा। पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है, दोबारा मुख्यमंत्री बना दो, चुनाव के तुरंत बाद आपके पानी के बिल माफ करा दूंगा सारे के सारे। पहले भी करे थे, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना, जितने आपके बकाया बिजली के बिल थे, पानी के बिल थे, सारे माफ करा दिए थे। कराए थे नहीं कराए थे? दोबारा करा दूंगा आपके पानी के बिल माफ। आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए नहीं बनाए? ये बीजेपी वाले मेरे को गाली देते हैं, कहते हैं स्कूल फ्री में क्यों कर रखे हैं, ये फ्री स्कूल, ये फ्री की रेवड़ी है। बताओ बच्चों की शिक्षा फ्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अगर हमारे बच्चे अच्छे नहीं पढ़ेंगे तो देश की तरक्की कैसे होगी? है कि नहीं है? एक भी पार्टी नहीं है जो कहती है हमारे बच्चों, आपके बच्चों को शिक्षा दूंगा। मैं कहता हूं आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा। इनको वोट दे दिया बीजेपी वालों को तो ये सारे स्कूलों का कबाड़ा कर देंगे ये लोग। उत्तर प्रदेश के स्कूल में जाके देख लेना, गाजियाबाद चले जाना सरकारी स्कूल देख लेना, नोएडा चले जाना सरकारी स्कूल देख लेना, फरीदाबाद गुड़गांव जाके क्या हाल बना रखा है इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने। वही हाल तुम्हारे बच्चों के स्कूलों का कर देंगे। बड़ी मुश्किल से 10 साल में मैंने अच्छे स्कूल करे हैं। अगर अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा चाहते हो तो इनको वोट मत देना। आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक बने हैं यहाँ पे? मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे नहीं है, सरकारी अस्पताल है। जाते हो सरकारी अस्पताल में, पैसे तो नहीं लगते, दवाइयां मुफ्त मिलती हैं, टेस्ट मुफ्त होते हैं। ये कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, दवाइयां फ्री नहीं होनी चाहिए, दवाइयों के पैसे लगने चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी का फ्री का इलाज कराना तो पुण्य का काम है कि नहीं है? अगर कोई बीमार हो जाए और उसके घर में पैसे नहीं हो, उसका फ्री का इलाज कराना पुण्य का काम है कि नहीं है? ये बीजेपी वाले कहते हैं पैसे लगने चाहिए, दवाइयों के पैसे लगने चाहिए, टेस्ट के पैसे लगने चाहिए। तो दोस्तों, मेरा सबसे बड़ा काम, इन्होंने मेरे को जेल में क्यों डाला? फर्जी केस करके मेरे को, कोई केजरीवाल ने भ्रष्टाचार नहीं करा, केजरीवाल भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। इन्होंने मेरे को जेल में डाला, मेरा कसूर ये है कि मैंने आपके लिए काम करा। अगर मैं काम नहीं करता, अगर मैं आपकी बिजली फ्री नहीं करता, अगर मैं आपका पानी फ्री नहीं करता, अगर मैं आपके लिए स्कूल नहीं बनवाता, अगर मैं आपके लिए अस्पताल नहीं बनवाता, ये मेरे को जेल में नहीं डालने वाले थे। ये मैं आपके लिए जेल गया, पूरी जिंदगी आपके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हूं मैं। मैं अभी जेल से आया, मेरे पीछे से मेरे को पता चला इन्होंने बहुत तंग करा आप लोगों को, कहीं सीवर ओवरफ्लो करा, सारे काम बंद करा दिए इन्होंने दिल्ली के, सड़कें टूटी पड़ी हैं। जब मैं लौट के आया हूं, मैं देख रहा हूं दिल्ली का इन्होंने बुरा हाल कर दिया, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, बुजुर्गों की पेंशन रोक दी, सारे काम निकलने के बाद चालू करा दिया मैंने, सड़कों की रिपेयर चालू करा दी, सीवर का काम भी करा रहा हूं, बुजुर्गों की पेंशन भी चालू करा दी, बस मार्शल जो है उनको भी नौकरी पे लगा रहा हूं, एक एक काम करूंगा, कोई काम नहीं रुकेगा, एक एक काम आपका करूंगा मैं। कल मैं विकासपुरी गया, विकासपुरी में इन्होंने अपने गुंडे भेज के मेरे ऊपर हमला करवाया। मेरे को मारना चाहते हो तुम? अरे हिम्मत है तो सामने चुनाव लड़ो ना। मैंने तुम्हारी 22 राज्यों में सरकार है,
मैंने दिल्ली में 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तुम 5000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ तब तो तुम्हारा बड़प्पन है। केजरीवाल को जेल में भेज देंगे, केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक रोक देंगे, केजरीवाल की दवाइयां रोक देंगे, केजरीवाल के काम रोक देंगे, ये कौन सा बड़प्पन है? ये तो गलत बात है। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब, तुम्हारी उत्तर प्रदेश में सरकार है, बिहार में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, वहां काम करके दिखाओ। मैं 6 महीने जेल में था, मेरे पीछे से दिल्ली चमका देते, पीछे से मेरे दिल्ली चमका देते एलजी को कहके, पीछे से इन्होंने कबाड़ा कर दिया। अब केजरीवाल आ गया, चिंता मत करना, आपका केजरीवाल आपका कोई काम नहीं रुकने देगा। दोस्तों मेरे को सत्ता का कोई लालच नहीं है, मुख्यमंत्री की पद कुर्सी छोड़ दी मैंने, मेरे को इस बात की चिंता नहीं है कि मैं सत्ता में दोबारा आऊंगा कि नहीं आऊंगा, मेरे को इस बात की चिंता है कि दिल्ली के काम रुकने नहीं चाहिए। दिल्ली में जो इतनी मेहनत से हमने 10 साल में काम किए हैं, वो काम रुकने नहीं चाहिए। चाबी आपके हाथ में है, जब बटन दबाने जाओ तो बटन दिल्ली के कामों के लिए दबाना, जिसने काम किए उसके लिए दबाना, जिसने काम रोके उसके लिए बटन मत दबाना। आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, अभी गए हैं त्यौहार, करवा चौथ गया है, नवरात्रे गए हैं, दशहरा गया है, सब त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको खूब खुश रखे, खूब तरक्की दे, आपकी सबकी मनोकामना पूरी करे।